नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड विधेयक को वापस लेने का फैसला लिया। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्स मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था। इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये बोर्ड चार धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 51 मंदिरों की देखरेख करता है। पुरोहित इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया है। प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एवं संपूर्ण सरकार का बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री और संपूर्ण उत्तराखंड की जनता हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती है कि आपने जो देवस्थानम बोर्ड को आज समाप्त किया है और जनभावनाओं के अनुरूप जो कार्य किया है, इस बात के लिए हम सब लोग आपका हार्दिक दिल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जितने भी हमारे धर्मावलंबी हैं, जितने हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्था के प्रतीक हमारे बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री की मान को आपने बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की घोषणा की है, उसके लिए मैं समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग को समझा। और जो त्रिविंदर सिंह रावत ने 27 नवंबर 2019 को ये काला कानून चारों धामों पर और सनातन धर्म पर थोपा था, और कभी भी उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने की, उन्होंने कभी मिलने की, किसी प्रकार के संवाद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने संवाद कायम किया, उन्होंने कई बार तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। नैनीताल के भवाली नगर में कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल के नव वर्तमान विधायक संजीव आर्य की मौजूदगी में भीमताल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट, भवाली नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा समेत 25 ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशपाल आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रामलीला मैदान भवाली से सांस्कृतिक मंच तक जनाक्रोश रैली में सैकड़ों लोग हरीश रावत के साथ शामिल हुए। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रुड़की के एक होटल में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा है कि टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं है। सभी टिकट मांगने वाले पहले पार्टी को मजबूत करने का काम करें, उसके बाद ही जनता की आवाज पर टिकट का वितरण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक सीट पर बड़ी संख्या में लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगने वाले आपस में द्वेष भाव की राजनीति छोड़ आपसी भाईचारे का वातावरण बनाए। कांग्रेस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जनता में अपनी अच्छी पकड़ रखने वालों को टिकट देगी। बहुत दूर थे और हमारा विरोध करते थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ उनसे कहा जाता था, जो कुछ कहा गया वो सब गलत था। कांग्रेस एक नितांत राष्ट्रवादी मगर सबको साथ ले चलने वाली पार्टी है, जो सनातन धर्म के सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है और सबके कल्याण के लिए विकासवादी सोच को लेकर के आगे बढ़ती है। और वो लोग ये अनुभव करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको किसी न किसी रूप में वो समर्थन देते रहे हैं, वो पार्टी गरीबों के हित में नहीं है, गांव और किसान, व्यापार, किसी के हित में नहीं है। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर रुड़की में, हमारे रुड़की से बगल में खानपुर से और अगल बगल के जगहों से बड़ी संख्या में लोग आज कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे वो वर्ग भी
जो अतीत से लेकर अब तक इस बात को जिनके मनों में कूट कूट कर ये बात भरी गई थी, कांग्रेस के प्रति घृणा जिनके मनों में भरी गई थी, वो आज असलियत जान चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 9वीं से 12वीं के बच्चों को गोद लेकर उनके शिक्षा संबंधी सामग्री का वितरण किया। वहीं इस मौके पर महेंद्र राणा ने बच्चों को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और शिक्षा के महत्व को समझाया है और आगे भी विद्यालय को हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया। ब्लॉक प्रमुख राणा ने बच्चों से बात करते वक्त ये भी कहा कि शिक्षा के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आगे भी शिक्षा के विकास के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। तो पौड़ी की तस्वीरें, बच्चों को पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, बच्चों को संवारने और उनके भविष्य को संवारने में जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो जुटे हुए हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को जो शिक्षा किट है वो यहाँ पर बांटी गई है। साथ ही साथ उनका कहना है कि हम लगातार बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं। यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत विकास खंड दुगड्डा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज दुगड्डा, राजकीय इंटर कॉलेज धोबीघाट में बच्चों से मुलाकात है। उनके फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी, किस तरह से उनके लिए और हम अच्छा कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कितना अच्छा सोच सकते हैं, किस तरह से हम उनको एजुकेशन में और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारे अच्छे स्पोर्ट्स मैन निकल सकते हैं बच्चे, क्योंकि जब हमारा यमकेश्वर विधानसभा शिक्षित होगा तभी यहाँ विकसित होगा। तो मेरा उन बच्चों से मुलाकात करके आगे के फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से हम क्षेत्र में बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, किस तरह से युवा हमारा परेशान है उनके लिए किस तरह से हम यहाँ पे रोजगार की व्यवस्थाएं पैदा कर सकते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में ग्राम सभा उमाऊ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में और बीजेपी कार्यकर्ताओं ग्रामवासियों की उपस्थिति में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गीता धामी ने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना है और मुख्यमंत्री के सामने इन समस्याओं को रख कर समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही गीता धामी ने बताया कि घर घर बीजेपी, हर हर बीजेपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया गया है और लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह और जोश है और सबका आशीर्वाद और समर्थन भी लगातार मिल रहा है। उधम सिंह नगर की तस्वीरें, गीता धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी है, जन मिलन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं क्या थी वो यहाँ पर गीता धामी सुनती हुई नजर आई हैं। आज ग्राम सभा अमाऊ में वार्ड नंबर 9 में जो है जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सभी के बीच में सभी ने अपनी समस्याओं को समक्ष रखा और उनसे उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख कर के सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है बात की जाएगी, उनको आश्वासन दिया है। और आज इसी क्रम में घर घर भाजपा, हर हर भाजपा के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, सभी ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के जागरूकता अभियान चलाया गया। सभा को लेके एक बैठक हुई, गीता धामी जी यहाँ आई और जन सेवा को समस्याओं को सुना उन्होंने और उस बात को सीएम साहब के माध्यम तक ले पहुँचाने का, यहाँ जो भी है नाली की समस्या, रोड की समस्या काफ़ी है, लेकिन इन चीज़ों को सबका निवारण किया हमारे सीएम साहब। कम समय में इतना कार्य किया, आने वाले समय में कितना कार्य करेंगे, सभी महिलाओं का यही कहना है। उत्तरकाशी में लगातार भालू और तेंदुए का जो आतंक है वो नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में भालू का हमला लगातार जारी है। बीजेपी नेता जगन मोहन रावत और प्रमुख विनीता रावत ने विभाग से कहा है कि क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मगर आज तक विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए सैकड़ों लोग लगातार यहाँ आने पर मजबूर हैं, सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं, जिसके लिए उन्होंने विभाग से लिखित रूप से मांग की है कि विभाग इन भालू को पकड़ने के लिए पूरी टीम के साथ गश्त करे और जल्द से जल्द इसे पकड़कर ग्रामीणों को इस भय से निजात दिलाए ताकि इसके बाद ऐसी कोई घटना सामने ना आए। तो उत्तरकाशी के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जो भालू और तेंदुओं का आतंक है वो बरकरार है, भालू ने अब तक कई लोगों पर हमला किया है, जिसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
ग्राम लाटा में जो भालू के द्वारा हमला किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये निरंतर जो है हमारे क्षेत्र में जो है हमेशा हमला कर रहा, ये तो मुझे लगता है कि इसने जो है कई यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के जो है कई लोगों को जो है घायल कर दिया। आज जो है इसी सिलसिले में जो यहाँ पर जो है लाटा के हमारे प्रधान हैं, यहाँ के हमारे प्रमुख जी हैं, यहाँ के हमारे महिला मंगल युवक मंगल सारे लोगों ने जो है बहुत यहाँ पर आक्रोश जताया, और वन विभाग की टीम भी यहाँ पर आई। मतलब आज जो भालू का उसमें जो आर्थिक सहायता हमने उनको पहले दे दिए, और साथ ही साथ RRT हमारी जो RRT की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है, और हम लगातार से यहाँ जो है गश्त बनाए हुए। धन्यवाद। काला डोंगी के रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर वन रेंज क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से लगातार लामा चौर खास फतेहपुर जगहों पर हाथियों के झुंड आबादी क्षेत्रों में आ रहे हैं। वहीं एक युवक के आवास में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें हाथियों ने घर का मेन गेट तोड़ने की कोशिश की। इसी के साथ ही हाथियों के झुंड ने घर के शीशों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही नीरज तिवारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने वहां पहुंचकर मुआयना करने के बाद DFO रामनगर जीवन जोशी और वन क्षेत्राधिकारी को फोन पर बातचीत की और मामले से अवगत कराया, और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ भविष्य में कोई जनहानि ना हो इस संबंध में विभाग की तरफ से रात्रि गश्त और सौर ऊर्जा फेंसिंग लगाने को लेकर अवगत कराया है। तो काला डोंगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हाथियों के झुंड लगातार घनी आबादी में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। और देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब एक शख्स के घर में हाथियों का झुंड घुस गया और तमाम नुकसान यहां पर पहुंचाया, जिसके बाद वन क्षेत्राधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ मुआवजा देने की बात भी कही गई है। पिछले एक हफ्ते से लामाचौड़ है, फतेहपुर है, गांधियासम है, रतनपुर है, जयपुर पाटली गांव है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें चकलुआ भी है, तारडुंगी भी है, तो कम से कम अलग अलग झुंडों में हाथी घूम रहे हैं, जिसमें एक जगह तो 5 हाथियों का आतंक एक साथ जगह जगह किया जा रहा है, और वहीं करीब 30-35 हाथी एक साथ, जिसमें वो चौसला है और चकलुआ तारडुंगी इस जगह पर देखे गए हैं, नुकसान फसलों को भारी किया गया है। वहीं 2 तस्कर हाथी जो मेन रोड में, खासकर जयपुर पाटली और लामाचौड़ मेन भाखड़ा पुल में लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं उनके साथ, हाथियों के साथ, और हाथी खड़े हुए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं कि हाथियों द्वारा घरों में भारी नुकसान किया गया है, जैसा कि आपने देखा भी है कि 3 घरों में उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, सीट तोड़ दिए हैं, गौशाला की छतें तोड़ दी हाथियों द्वारा। काशीपुर में BJP विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिर एक बार अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के लिए पार्टी के टिकट की दावेदारी पेश की है। विधायक चीमा ने जहां बीते रोज बलराज पासी की रैली को पार्टी में दरार डालना करार दिया, तो वहीं पहले वो सीधे तौर पर पासी का नाम लेने से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। पत्रकार वार्ता में चीमा कल की पासी की रोड शो पर जमकर बरसे, उन्होंने इस रोड शो को पार्टी विरोधी गतिविधि तक कह दिया। वार्ता के दौरान चीमा ने अपने 20 सालों के अब तक के कार्यकाल को शहर के लिए उपलब्धि भरा बताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ, इसमें अकाली दल से का कोई मतलब नहीं था इसमें। मुझे हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सन 2002 में एक बार मैंने बादल साहब से किसी केंद्रीय नेता को कहलवाया था, बस वो हर आदमी से पार, उसके बाद मैंने कभी किसी अकाली दल से जाके नहीं कहा, बादल साहब से या किसी से भी नहीं कहा कि साहब मेरी आप सिफारिश करो, नेवर। हमीरपुर में BJP किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह की अध्यक्षता में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन चौरा देवी स्थान से सिटी फॉरेस्ट तक बड़े ही उत्साह से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवशंकर सिंह किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष कृष्णा कुमार बंटी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह सेंगर उपस्थित रहे। ट्रैक्टर रैली में लगभग 100 ट्रैक्टरों का जुलूस निकाला गया, जिससे किसानों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला। इस ट्रैक्टर रैली में सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसानों के लिए हितकारी योजनाओं का संदेश भी दिया गया, जो कि किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के रूप में काफी समय से BJP सरकार चला रही है। इस कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित सिंह, महामंत्री मोहन कुशवाहा, उमेश पांडे, जिला कोषाध्यक्ष सनत श्रीवास्तव और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
बीजेपी किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली यहां पर निकाली गई है। तमाम पदाधिकारी इस ट्रैक्टर रैली में मौजूद रहे। करीब 100 ट्रैक्टर इस रैली में शामिल किए गए थे। पुलिस लाइन हरिद्वार में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन रोशनाबाद में पुलिसकर्मियों की कोविड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 2 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों में से 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रभावी और शाखा इकाई प्रभारियों को उनकी अधीनस्थ नियुक्ति सभी पुलिसकर्मियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट और करवाए जाने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे पॉजिटिव पाए जाने वाले पुलिसकर्मी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। और इसी के चलते रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके मद्देनजर भी पुलिसकर्मियों के कोविड टेस्ट लगातार कराए जा रहे हैं। तो कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एक दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे पर अब संकट गहराने लगा है। दरअसल पौड़ी में 19 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जहां स्वास्थ्य की ओर से टेस्टिंग को लेकर कमर कस ली गई है, तो वहीं पौड़ी में होने वाले सीएम दौरे पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। पौड़ी कोविड प्रभारी डॉक्टर आशीष गुसाई ने बताया कि पौड़ी के अंकेश्वर समेत पौड़ी शहर में कुल 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे से पहले लिए गए कोरोना टेस्ट में ये सभी लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अब आसपास के क्षेत्रों में भी टेस्टिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करवाने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे बढ़ते कोरोना केसों पर अंकुश लगाया जा सके। अभी हमने राष्ट्रपति जी का जब यहाँ पे आगमन हुआ तो उसके जितने लोगों की ड्यूटी लगी थी उन लोगों की सैंपलिंग की गई स्क्रीनिंग के तौर पे, तो उसमें 19 लोग पॉजिटिव पाए गए। 12 लोगों के सैंपल जो है वो आरटीपीसीआर से लिए गए थे राष्ट्रपति जी के आने से एक दिन पहले, और 7 लोगों के सैंपल जो है पॉजिटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट में आए हैं जिस दिन राष्ट्रपति जी आए थे, तो उससे पहले। तो इन सैंपल्स में हमारे पास में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्योंकि उनकी पोस्ट मतलब वहाँ पे ड्यूटी थी, तो स्क्रीनिंग में देहरादून से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। 9 लोग देहरादून जिले के हैं, 3 लोग यमकेश्वर के हैं, दुगड्डा के 2 लोग। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए।